सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है व्हाट्स इन माई बैग सेशन। तो मुझे ना ये वीडियो बहुत टाइम से करनी थी, मुझे ये सारी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती हैं। जब पिंक विला में देखती थी मैं व्हाट्स इन माई बैग सेशन वगैरह, तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, कभी ना कभी तो एक दिन ये वीडियो मैं भी करूँगी। तो आज मैं ये वीडियो करने वाली हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब मैं कभी ट्रैवल करती हूँ तो ट्रैवल करते टाइम पे जो मेरा कैरी बैग होता है, मेरा पिट्ठू बैग होता है, मैं उस पर क्या कैरी करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आज मैं दिखाने वाली हूँ मैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो यस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बैग है छोटा सा मेरा, क्यूट सा, ये छोटा भी है लेकिन इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। तो ये इसलिए बैग मैंने लिया था, मैंने ये बैग दार्जिलिंग से लिया था। जब मेरी फर्स्ट ट्रिप थी दार्जिलिंग की तब मैंने ये बैग लिया था, उस टाइम पे मुझे अच्छा सा लगा था तो मैंने ले लिया। तो उसके बाद से मोस्टली मैं इस बैग को हर जगह कैरी करती हूँ, क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा क्यूट सा भी है और हर किसी चीज़ में चल जाता है, प्लस इसमें सामान भी काफ़ी सारा आ जाता है। तो इसलिए मैं ये बैग कैरी करती हूँ और बाकी देखते हैं इसमें सामान क्या क्या है। तो सबसे पहले मेरे बैग से निकला है ये चार्जर, जो कि ऑब्वियसली मस्ट है। और अच्छा, उसके बाद ये निकला पावर बैंक, कि अगर इन केस अगर आपको चार्जिंग सॉकेट नहीं मिला तो आप कम से कम पावर बैंक से ही चार्ज कर सकते हो अपना फ़ोन। तो ये काफ़ी मोटा सा है, MI का लिया था ये मैंने पावर बैंक। उसके बाद ये निकला है इसमें से क्लचर। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कभी गर्मी लग रही है, आपको हेयर टाई करने हैं, रबर बैंड नहीं मिला या फिर रबर बैंड से बाल खींच रहे हैं, तो ठीक है कि इससे आप, इस क्लचर से आप अपने हेयर टाई कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद फिर निकला है ये रबर बैंड, फिर निकली है ये हैंकी, और उसके बाद ये छोटी सी मेरी डायरी है और इसमें मैंने लिखे हुए हैं अपने आइडियाज़ कि मुझे भी कौन कौन सी वीडियो शूट करनी है। मैं भी घर भी जाने वाली हूँ अपने, तो फिर वहाँ भी मुझे शूट करना है। और अभी जब मैं ट्रिप पे जा रही हूँ तो मुझे वहाँ पे कैसे कैसे वीडियोज़ बनानी है और क्या क्या शूट करना है, तो मैंने थोड़ा बहुत इसमें लिख रखा है और बाकी देखते हैं क्या वीडियो बनती है। उसके बाद मैं जहाँ पे जा रही हूँ, यानी कि अभी जो मेरी ट्रिप होने वाली है वो मेघालय की होने वाली है, तो मैं मेघालय जाने वाली हूँ। तो ये जो बुक है ये मैंने आउटलुक की बुक ली थी एक, तो मुझे ये छोटी सी हैंडबुक मिली है जिसमें मेघालय के बारे में दिया हुआ है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए, शिलोंग हो गया, मौसिनराम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये छोटी सी हैंडबुक है, क्यूट सी, इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। भी कैरी कर रही हूँ क्योंकि मैं वहीं भी घूमने जा रही हूँ मेघालय में। तो एक ये है, और उसके बाद एक ये छोटा सा बॉक्स निकला है। इस बॉक्स में मैंने काफ़ी चीज़ें रखी हैं, मतलब इस बॉक्स में ना मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने एक तो ये रबर बैंड रखा है और उसके साथ ही छोटी छोटी क्लिप्स रखी हैं, ये मैंने ईयरबड्स रखे हैं, सेफ्टी पिन रखी है, ये सेफ्टी पिन रखी हैं, मैंने टूथपिक रखा है, और ये मैंने प्लास्टिक वाले रबर बैंड रखे हैं कि अगर इनकेस मतलब काम आ जाए क्या पता। और साथ में ये नेल कटर भी रखा है, छोटा सा नेल कटर, और उसके साथ में ये नीचे मैंने रखा है पेपर सोप, ये मैंने रखा है पेपर सोप, मेरा सामान भी गिर रहा है इसमें से। ये मेरे ट्रैवल बैग में एक छोटा सा और बॉक्स है जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जिस तरह की जो भी चीज़ें होती है, ताकि ये जहाँ वहाँ ना रखने की बजाय मैंने इसको एक बॉक्स में कर लिया, ताकि ये गुम ना हो और जब निकालना हो, ज़रूरत पड़े तो मैं आसानी से इसको निकाल लूँ। उसके बाद निकली है ये वाइप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैंकी तो मैं रखती ही हूँ लेकिन साथ में वाइप्स भी रखती हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। धूल धक्कड़ अगर कहीं पे है और आपको मतलब अपना चेहरा क्लीन करना है तो उसके लिए वाइप्स ठीक है, तो वाइप्स भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये निकला है मेरा कैमरा, छुटकू सा, तो ये बैग से निकला है ये छुटकू सा कैमरा, और कैमरा के साथ ही गिम्बल, मतलब इसको मैंने अटैच करके ही रखा है। अभी गिम्बल जो है ये एक दो दिन पहले ही आया, तो मैंने एक कैमरा इसमें अटैच करके रख दिया कि कौन बार बार इसको खोलेगा निकालेगा, और इसको ऐसे ही रखा है मैंने बाकी शूट करने के लिए, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं फटाफट से निकालूंगी और शूट करूँगी, तो ये रखा है मैंने अपने ट्रैवल बैग में। उसके बाद ये एक मिनी पाउच है, ये शुगर का है, मैंने एक्चुअली शुगर की बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी तो मुझे मिनी पाउच फ्री मिला था उसके साथ। तो इसमें मैंने अपनी चीज़ें रखी हैं, जैसे कि मैंने रखी है सनस्क्रीन, और ये है छोटू सा प्यारा सा एक मेरा मिंट बॉक्स, साथ में ये कुछ लिपस्टिक्स हैं, और छोटा सा ये मिरर भी कैरी कर रही हूँ मैं साथ में, ये भी बहुत क्यूट सा मिरर है ये। और ये एक छोटू सा मॉइस्चराइज़र है और क्यूट सा है, मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, देखती हूँ इसको यूज़ करके कैसा है।
अच्छा ही होगा, एफकेफीन का है तो देखते हैं। और बाकी ये पाउच मेरा खाली हो चुका है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, इसमें मैंने ये कॉटन भी कैरी कर रखा है, इनकेस कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मैंने ये कॉटन भी कैरी किया है। और साथ में ये निकला है एक रबर बैंड, ये ऐसा लगाने के लिए है रबर बैंड, और मैं अभी तो नहीं लगाऊंगी, बट यस ये भी निकला है, मैंने इसको रखा हुआ है, क्या पता कहीं पे कुछ ज़रूरत पड़ जाए। और उसके बाद फिर ये मेरा एक मास्क है, ये है, और क्या है देखते हैं। ओके, के साथ ये निकला है छोटा सा परफ्यूम, हालांकि ये मेन परफ्यूम है बट मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगती है तो मैंने ये ले लिया, क्या फ़र्क पड़ता है। लड़कियां तो वैसे भी चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो सारे परफ्यूम लगा लेती हैं, लड़कों को ही थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट हाँ ये मैंने एक परफ्यूम रखा हुआ है इसमें पॉकेट परफ्यूम, ताकि कहीं भी अभी अगर बड़े लगाने की तो फिर आप लगा सको इसे, तो ये परफ्यूम है। इसके बाद उसमें वायर वाले ईयरफोन है, मैं ना वो जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स होते हैं ना वायरलेस, वो सीधे कान में छोटे छोटे से एयरपॉड्स जो आते हैं, मैं वो नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि वो ना मुझे समझने जाते हैं, वो मेरे से गिर जाते हैं बार बार, और पता नहीं मतलब मुझे वो ठीक नहीं लगते हैं, तो मैं वायर वाले ही कैरी करती हूँ। कुछ और टूथपिक्स हैं, ये है, और ये साथ में कुछ आईडी कार्ड वगैरह है, ये मेरी फ़ोटो है, ये मेरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कुछ आईडी कार्ड वगैरह मैंने ये रखा है। अब इसके बाद ये जो छोटा वाला यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। सेरेडॉन बहुत ज़रूरी है, मतलब मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है सेरेडॉन। फिर अच्छा ये सौ का नोट निकला है, एक मैंने पेपर सोप रखा हुआ है यहाँ पे कि कुछ जल्दी जल्दी में चलिए फिर पेपर सोप, तो फिर एक ये रखा है, और एक छोटा सा ये बनाना क्लिप है ये रखा है, और एक ये लिपस्टिक है जो कि मैं मोस्टली मैं यही लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। एक पेन भी रखा है मैंने, ये लिपस्टिक है, ये लिप बाम है, ये जो है ये है दिव्य धरा, ये पतंजलि का दिव्य धरा है, ये भी सर दर्द के लिए कि अगर आपको माइल्ड सा थोड़ा सा हेडेक है तो आप इसको लगा लो और थोड़ी देर में आपको राहत मिल जाती है, तो ये भी मुझे बहुत ज़रूरी है। तो आगे वाला पॉकेट भी खाली हो गया, और अब ये बचा है पीछे, इसमें से ये छोटा सा पॉकेट, इस छोटे से पॉकेट में ज़्यादा कुछ नहीं है, इस छोटे से पॉकेट में मैंने ये रखी हुई है, कुछ प्लास्टिक बैग रखा हुआ है, ये पता नहीं मैंने क्यों रखा है बट ये रखा है मैंने। और फिलहाल अभी जो मेरे बैग से मिसिंग है वो है चॉकलेट, बाकी ये मेरे बैग में अब कुछ नहीं बचा है, सब खाली हो चुका है। तो ये था मेरा व्हाट्स इन माय बैग सेशन, और ये सेशन करते हुए मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सेशन करते हुए, और मुझे बहुत मज़ा आया। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो ये यहीं पे ख़त्म होती है, उसके बाद मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि फिर जो भी मैं वीडियो स्टेटस डालती हूँ वो आप लोग देख सकें। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।